हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का फिजिक्स हिंदी मीडियम के लिए, और हमारा टॉपिक है उपग्रहों की गति पार्ट 2। उपग्रहों की गति के फर्स्ट पार्ट में मैंने ओनली आपको सैटेलाइट का इंट्रोडक्शन और थोड़ा सा भारत ने इसरो के गठन के बाद किस तरह से स्पेस रिसर्च में अपना योगदान दिया, किस प्रकार से आगे हम बढ़े, इसके बारे में थोड़ी सी स्टोरी आपसे शेयर की थी। आज हम पढ़ेंगे इसका स्टार्टिंग से फार्मूला डेरिवेशन, जिसमें मैंने प्रीवियस वीडियो आपने मेरा देखा होगा तो मैंने कक्षी चाल पर डिस्कस किया था, कुछ कॉन्सेप्ट पर भी डिस्कस किया था कि कक्षी चाल क्या होता है। तो देखिए, जब सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है, सैटेलाइट को जब छोड़ा जाता है, तो सैटेलाइट को जब पृथ्वी के चारों ओर अपने पथ पर, अपने कक्ष पर स्थापित किया जाता है, तो उसको एक न्यूनतम वेग की आवश्यकता होती है, जिसको हम उसका कक्षी चाल कहते हैं। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं इसका स्टडी, कक्षी चाल। ऑर्बिटल स्पीड, कि जब किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है तो उसके कक्षा में जो उसका वेग होता है, उसका उसकी चाल होती है, इसको हम उसका कक्षीय चाल कहते हैं। उससे कम यदि हम उसको वेलोसिटी दें तो वह वृत्ति गति नहीं कर पाता, उसको आवश्यक अभिकेंद्र बल नहीं मिलता, जिसके कारण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण वो आकर्षित हो जाएगा, और सामान्य पिंड को जैसे हम छोड़ते हैं तो पृथ्वी में गिर जाता है, वैसे सैटेलाइट भी पृथ्वी में गिर जाएगा। लेकिन एक निश्चित वेलोसिटी से घुमाने पर उसको आवश्यक अभिकेंद्र बल मिलता है, और उस अभिकेंद्र बल के कारण वो घूम पाता है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं एक फिगर बना दूँ, और फिगर के बेस से आपको मैं समझाता हूं कि किस तरह से उसका सिचुएशन होता है। ये सपोज हमारी पृथ्वी है, ये सब जो हम उसके ऑर्बिट्स को बना रहे हैं, ये हमारी पृथ्वी है, सेंटर में आप पृथ्वी देख रहे हैं, और ये पृथ्वी का केंद्र है। पृथ्वी की त्रिज्या को हमने कैपिटल आर सपोज किया, और पृथ्वी के केंद्र से सपोज इससे इस एच डिस्टेंस पर यहाँ पर सैटेलाइट है। सपोज ये सैटेलाइट का पोजीशन है, सैटेलाइट के इस तरह से सोलर पैनल्स होते हैं, ये हम सांकेतिक रूप से बना देते हैं। ये सैटेलाइट है सपोज हमारा, इस तरह से आपने चित्रों में देखा होगा सैटेलाइट के सोलर पैनल्स। ये सैटेलाइट को जब पृथ्वी के चारों ओर घुमाया जाता है तो इसकी जो कक्षीय चाल है, इसको हमने सपोज कर लिया वी नॉट, इस प्रकार से। और यहाँ पर आप देखो, पूरे केंद्र से लेकर सैटेलाइट के पूरी दूरी को यदि हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर दें, ये और सैटेलाइट के द्रव्यमान को स्मॉल आर, पृथ्वी के द्रव्यमान को हम कैपिटल एम, और इसकी त्रिज्या को आर सपोज कर लें, तो यहाँ पर आप फिगर में देखो आर इक्वल टू क्या है, आर प्लस एच, आर इक्वल टू आर प्लस एच है। देखो इसके केंद्र से लेकर पूरे सैटेलाइट तक की दूरी आर है, और ये आर, और यहाँ से एच हाइट पर उसको छोड़ा गया है। तो कक्षीय चाल में होता क्या है, देखो जब सैटेलाइट स्मॉल एम द्रव्यमान के, यहाँ पर सैटेलाइट कैपिटल एम द्रव्यमान के पृथ्वी के साथ मतलब गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करता है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम निकालते हैं गुरुत्वीय बल सैटेलाइट पर एफ इक्वल टू हो जाएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम, और अपन केंद्र से उसकी दूरी आर है तो आर स्क्वायर, ये हो जाएगा इस सैटेलाइट पर पृथ्वी के कारण गुरुत्वीय बल। इसके बाद हम देखते हैं इस पर अभिकेंद्र बल, क्योंकि कोई भी पिंड जब वृत्ति गति करेगा तो उस पर लगेगा अभिकेंद्र बल,
सेंटीपेटल फोर्स एफ इक्वल टू हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ये होगा। अब हमको मालूम है कि जो अभिकेंद्र बल होता है वास्तव में अपने आप में उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, वो किसी और बल के माध्यम से उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर जो आवश्यक अभिकेंद्र बल हमको मिल पा रहा है वो मिल रहा है पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण। मतलब पृथ्वी में यदि गुरुत्वाकर्षण का बल नहीं होता तो हम उसमें सैटेलाइट को नहीं घुमा सकते थे उसके चारों ओर। देखो, न्यूटन ने जब गुरुत्वाकर्षण बल दिया कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण का बल होता है, तब न्यूटन को नहीं पता था कि मेरे इस छोटे से कॉन्सेप्ट से कभी आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी बनाए जाएंगे जो पृथ्वी के चारों ओर घूमेगा। तो कॉन्सेप्ट साइंस और टेक्नोलॉजी में यही डिफरेंस होता है। साइंस का मतलब होता है कॉन्सेप्ट और टेक्नोलॉजी का मतलब होता है उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड वर्क। तो जब पता चला कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है तो इस गुरुत्वाकर्षण बल की सहायता से सैटेलाइट छोड़ा गया, तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। देयरफॉर दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, तो दोनों आपको हम आपस में बराबर कर दें। इसको हम वी नॉट ले लेते हैं, यहाँ पर वी नॉट का मतलब है कक्षीय चाल, इसको हम प्रदर्शित करते हैं वी नॉट से। ओ फॉर ऑर्बिटल, ओ फॉर ऑर्बिटल नॉट या ओ कह सकते हैं अपन, दोनों को इक्वल कर दें तो क्या हो जाएगा एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू हो जाएगा ये जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। ये हमने क्या किया, दोनों बल को आपस में बराबर कर दिया। अब यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करें, यदि इसको हम सरल करें, देखो स्मॉल एम के साथ में कैंसिल आउट हो जाएगा, एक आर इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और हम उसको तो उस साइड में ले जाके उसका रूट ले लेते हैं। तो देयरफॉर ये हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू रूट ऑफ जी एम अपॉन आर। अब देखो, हमको मालूम है कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन हमको पता है, सिंस जी इक्वल टू होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये हम जानते हैं स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है। यहाँ पर आर कैपिटल होगा, सॉरी ना, ये कैपिटल और स्मॉल के डिफरेंस को समझना। यहाँ पर पृथ्वी की त्रिज्या होती है तो हो जाता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम जी एम का वैल्यू पुट करें और स्मॉल आर इक्वल टू, हमने अभी आपको फिगर के नीचे लिख के बताया है आर प्लस एच, ये स्मॉल आर इक्वल टू आर प्लस एच होता है। ये दोनों मान यदि यहाँ पर पुटअप कर दिया जाए तो हमारा फार्मूला किस फॉर्म में चल जाएगा, देयर फॉर वी नॉट, अब यहाँ स्क्वायर नहीं रहेगा ना, मैं रूट ले लिया तो इसको धोखे से लिख लिया, ये स्क्वायर नहीं रहेगा, तो वी नॉट इक्वल टू अंडर रूट जी एम, ये जी एम का वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे तो मिलेगा जी आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने लिख दिया जी आर स्क्वायर और अपान ये आर का वैल्यू क्या है आर प्लस एच, तो जी आर स्क्वायर अपान आर प्लस एच ये वी नॉट का वैल्यू हो जाएगा। अब आगे हम इसको सॉल्व करें तो दैट इम्प्लाइज वी नॉट इक्वल टू ये आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा रूट के, तो आर रूट ऑफ जी अपान आर प्लस एच, ये होता है इसके ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए मतलब कक्षीय चाल के लिए फार्मूला, ये कक्षीय चाल के लिए फार्मूला है। इस तरह से आप देखो, इतने चाल से इतने वेग से यदि हम किसी सैटेलाइट को पृथ्वी के चारों ओर घुमाएं तो वह उसको आवश्यक अभिकेंद्र बल मिलेगा और वह वृत्ति गति कर सकेगा, इससे कम वेग पर पॉसिबल नहीं है। अब इसमें हम कुछ कंडीशन अप्लाई करते हैं, देखिए यहाँ पर हम कुछ कंडीशन अप्लाई करें। सपोज यहाँ हम यह सपोज कर लें कि ये जो एच का जो वैल्यू है वह आर के कंपैरिजन में, इफ आर इफ एच इज वेरी लेस देन आर, मतलब ये जो हाइट है, ये जो सैटेलाइट का हाइट है पृथ्वी के सतह से जितनी ऊंचाई पर सैटेलाइट को छोड़ा गया है वह जो ऊंचाई है वह पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में क्या हो, बहुत कम हो, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर फार्मूला अप्लाई कर दें तो देयरफॉर ये हो जाएगा वी नॉट इक्वल टू रूट ऑफ जी अपान, ये जीरो हो जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा आर, और ये आर को हमने लिखा यहाँ पर बाहर। दैट इम्प्लाइज वी नॉट इक्वल टू, अब इसको अंदर कर दें तो अंदर जाके आर स्क्वायर बन जाएगा, एक आर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और यह हो जाएगा जी आर। तो एक कंडीशनल फार्मूला है, मतलब इस कंडीशन के लिए, इफ देन, इस कंडीशन में मतलब यदि पृथ्वी की सतह से सैटेलाइट का जो हाइट है, पृथ्वी की सतह से सैटेलाइट का हाइट पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में बहुत कम हो तो इतना होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी रूट ऑफ जी आर अंडर रूट जी आर,
और यहाँ पर यदि हम इसको कैलकुलेट करें पृथ्वी के लिए तो दैट इक्वल वी नॉट इक्वल टू रूट ऑफ पृथ्वी के लिए जी का मान अपन 9.8 लेते हैं और पृथ्वी की त्रिज्या को हम लेते हैं 6.4 इंटू 10^6 मीटर। यह पृथ्वी की त्रिज्या है, 6400 किलोमीटर लगभग हम पृथ्वी की त्रिज्या को लेते हैं। ध्यान रखना पृथ्वी की त्रिज्या को हम जनरली 6400 किलोमीटर, ये फैक्ट है ना, ये कैलकुलेटेड है किलोमीटर में और मीटर में 6.4 इंटू 10^6 मीटर, इसको याद रखना इस डेटा को और इसको सॉल्व कर लें। यहाँ पर मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, उसको याद करके आप रख सकते हो। यदि आप इसको कैलकुलेट कर लो तो ये मिल जाता है लगभग 8 किलोमीटर पर सेकंड। मतलब इस कंडीशन में यदि पृथ्वी की सतह से सैटेलाइट का हाइट बहुत कम हो तो उस कंडीशन में ऑर्बिटर वेलोसिटी को 8 किलोमीटर पर सेकंड होना चाहिए। माने 8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से यदि हम सैटेलाइट को घुमा के छोड़ दें तो उसको आवश्यक अभिकेंद्र बल मिलेगा और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने लगेगा, पृथ्वी पर नहीं गिरेगा। क्लियर? तो इसका मैंने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट इसके पहले वाले क्लास में भी डिस्कस किया था। ये हो गया ऑर्बिटल स्पीड, इसको हम एक साथ आपको दिखा दें पूरे कैलकुलेशन को इस तरह से। फाइनली मैंने सबको एक साथ कंबाइन कर दिया तो ये पूरा कैलकुलेशन है इसका ऑर्बिटल स्पीड का। अब इसके बाद हम इसमें कैलकुलेट करेंगे इसका परिक्रमण काल या परिभ्रमण काल। परिभ्रमण काल मतलब होता है पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन टाइम, मतलब एक सैटेलाइट पृथ्वी के चारों ओर एक परिक्रमा करने में कितना समय लेता है वह उसका क्या कहलाता है, परिभ्रमण काल कहलाता है। तो नेक्स्ट हम उसका कैलकुलेशन करेंगे कक्षीय चाल के बाद परिभ्रमण काल। देखो बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ध्यान रखना यह चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड कैलकुलेशन हम इसमें कर रहे हैं परिभ्रमण काल, परिक्रमण भी कहते हैं या परिभ्रमण भी कहते हैं। परिभ्रमण काल टाइम ऑफ पीरियड्स एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में लगा समय, या उसका रिवॉल्यूशन टाइम भी कह सकते हैं। तो हमको मालूम है कि किसी भी पिंड का जो स्मृति गति कर रहा है उसका जो वेग होता है, वेग वो उसका विस्थापन मतलब कितना होगा, 2πr ये विस्थापन होगा और बटे समय के बराबर होता है। वेग बराबर दूरी बटे समय, यहाँ पर 2πr उसका वेग दूरी क्यों हुआ, क्योंकि जब एक परिक्रमा पूरी करेगा तो उसके परिधि के बराबर वो चक्कर लगाएगा। दैट इम्प्लाइज इसको आगे हम सॉल्व कर लें तो t इक्वल टू हो जाएगा 2πr अपॉन वी। अब यहाँ पर हम पूरे वैल्यू को पुट कर देते हैं तो t इक्वल टू 2π, स्मॉल r को हम क्या लिख सकते हैं, r प्लस h, अभी पीछे फिगर्स मैंने बताया ये, और हम इसका वैल्यू निकाल के रखे हैं r अंडर रूट r g अपन r प्लस h। ये कौन सा फार्मूला है, जब हमने क्या किया उसको उस कंडीशन में, ये r अंडर रूट g अपन r प्लस h और स्मॉल r इक्वल टू r प्लस h, ये कैपिटल r अंडर ब्रैकेट g अपन r प्लस h, इस फार्मूला को हमने वहां पर पुट अप कर दिया v का। अब देखो आगे इसको कैलकुलेट करें अपन, दैट इंप्लाइज t इक्वल टू, यहां पर आप देखो ये r प्लस h का पावर हाफ है, इसका पावर 1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा वो 3/2 हो जाएगा और रूट के अंदर होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2π अपॉन r और रूट के अंदर इसको हम पूरा लिखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्यूब लिख सकते हैं। क्लियर? तो ये हो जाएगा रूट ऑफ, ध्यान देना यहाँ पर ये r प्लस h का पावर 1/2 है, यहाँ पर 1 है तो कंबाइन कर दें तो उसके साथ क्या होगा 2, मतलब 2 + 1/2 3/2 हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं r प्लस h का क्यूब 3/2 मतलब रूट लग गया और अपान जी। तो ये होता है इसके पीरियोडिक टाइम का फार्मूला ऑक्सीलेशन का, ठीक है, इतना इसका टाइम होता है। और यहाँ पर भी यदि हम कंडीशन अप्लाई कर दें, इफ जैसे अभी कंडीशन अप्लाई किया एच इज वेरी लेस देन आर, यदि ऊंचाई क्या है पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में बहुत ही कम हो तो देयर फॉर उस कंडीशन में हो जाएगा टी इक्वल टू 2π बाई आर और ये नेग्लिजिबल हो गया तो ये हो जाएगा
आर क्यूब अपान जी, इसको और आगे साल में करें तो आर स्क्वायर को यहाँ बाहर करते हैं, इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा 2π रूट ऑफ, और यहाँ पर एक आर बचेगा आर अपान जी टी का वैल्यू। इसको हम आगे सिंप्लीफाई करें, इसका वैल्यू मतलब सिंप्लीफाई मीन्स इसमें वैल्यू पुट अप कर दें अर्थ के लिए, तो दे आर फोर टी इक्वल टू 2 × 3.14 इंटू रूट ऑफ, एक मिनट इसको थोड़ा सा स्पेस देके लिखता हूँ ना मैं, therefore t equal to 2 × 3.14 into root of 6.4 × 10⁶ upon 9.8। यदि इसको सॉल्व किया जाए, सिंप्लीफाई यहाँ पर नहीं करें, सिंप्लीफाई किया हुआ है वो, तो इसको हम सॉल्व करें तो नियर अबाउट ये आता है 84.4 मिनट में, ये इसका रिवॉल्यूशन टाइम है, माने यह 84.4 मिनट में, यह लगभग 84.4 मिनट में पृथ्वी की एक परिक्रमा कंप्लीट कर लेता है। हालांकि ये सैटेलाइट के और टाइप्स होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे सैटेलाइट के टाइप्स, वहाँ पर हम बताएंगे कि अलग अलग सैटेलाइट के लिए रिवॉल्यूशन टाइम अलग होता है, जैसे भूस्थायी उपग्रह है तो 24 घंटे होता है, ठीक है, तो इस प्रकार से हम उसको आगे अलग से देखेंगे। ये इसका फार्मूला है कम हाइट के लिए, 2π रूट ऑफ आर अपन जी, क्लियर यहाँ तक, ये है टाइम ऑफ पीरियड। तो यहाँ हमारा कंप्लीट हो गया परिक्रमण काल और परिभ्रम कक्षीय चाल और परिभ्रमण काल। इसके बाद हम पढ़ेंगे पलायन वेग। मैंने पिछले वीडियो में इसको इसीलिए स्टार्ट नहीं किया कि एक ही क्लास में मेरे को कक्षीय चाल और पलायन वेग को पढ़ाना है, क्योंकि उसके बाद हम दोनों में रिलेशन देखेंगे, दोनों में संबंध देखेंगे, उसको अलग अलग पार्ट में आप दो वीडियो में देखोगे तो आपको खुद पढ़ने में परेशानी होगी। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि एक ही वीडियो में मैं आपको दो टॉपिक को पढ़ा सकूं, कक्षीय चाल को भी और पलायन वेग को भी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पलायन वेग। पलायन वेग इंग्लिश में बोला जाता है एस्केप वेलोसिटी। पलायन वेग या एस्केप वेलोसिटी का क्या मतलब होता है? पलायन वेग जैसे नाम से स्पष्ट है, पलायन होना मतलब पलायन भाग जाना। पलायन वेग मतलब यदि किसी पिंड को न्यूनतम इतने वेग से हम फेंकें, अधिकतम की बात नहीं करेंगे, अधिकतम तो अनंत से वेग से फेंकेंगे तो चला ही जाएगा, तो न्यूनतम वेग जिस वेग से यदि किसी पिंड को पृथ्वी से ऊपर फेंका जाए तो दोबारा पृथ्वी पर वापस नहीं आता, मतलब वह पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र को पार करके बाहर चला जाता है। पृथ्वी का जहाँ तक गुरुत्व क्षेत्र है उसको पार करके वो बाहर चला जाता है, इसे हम क्या कहते हैं? पलायन वेग कहते हैं। तो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे कि पृथ्वी से यदि किसी पिंड को यदि उसके गुरुत्व क्षेत्र से बाहर फेंक दिया जाए तो न्यूनतम कितने वेग की आवश्यकता होती है, वो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। यहाँ पर हमको उसको कंप्लीट डिराइव करके कैलकुलेट करना है कि वो कैसे होता है, तो इसका कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे आप, और इंटीग्रेशन का उपयोग है इसलिए थोड़ा सा और ज़्यादा वो डिफिकल्ट भी हो जाता है और इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है, दोनों बात ध्यान रखना है। ये हमने पृथ्वी बना लिया, सपोज कंप्लीट पहले फिगर को मैं कंप्लीट कर दूं, हेलो स्टूडेंट्स, अन अकेडमी लेके आए आपके लिए एक स्पेशल फीचर आस्क ए डाउट क्लास 6 से 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए। देखिए आप किसी भी समय कितने भी डाउट आप पूछ सकते हैं, अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हैं हमारे इस फीचर पर, और आपके होमवर्क के लिए भी आपको असिस्टेंस मिलेगा इससे। देखिए मैं आपको बता दूँ कि इस ऐप को आप यूज़ कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको ऐप में जाना है और आस्क ए डाउट क्लिक करना है। सेकंड स्टेप में आपने जो पिक्चर लिया हुआ है क्वेश्चन का, या फिर वहाँ पर गैलरी ले सकते हैं या पिक्चर ले सकते हैं, वो आपको लेना है। नेक्स्ट स्टेप सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपने जो पिक्चर लिया है उसमें केवल उसी क्वेश्चन को क्रॉप करना है जो जिसका आपको आंसर चाहिए, स्पेसिफिक क्वेश्चन क्रॉप करना है दैट मीन्स, और आपको चूज किए हुए क्वेश्चन को डालना है, फिर आपको तुरंत उसका आंसर मिलेगा। देखिए इसमें जो आपको सावधानी रखनी है वो ये है कि आप एक टाइम में केवल एक ही डाउट पूछेंगे, एक से अधिक डाउट सेंड नहीं करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि आप जो इसमें पिक्चर भेजेंगे क्वेश्चन का, वो क्लियर होना चाहिए, पिक्चर की क्लियरिटी अच्छी होनी चाहिए, हैंड रिटन नहीं होना चाहिए।
और तीसरा इम्पॉर्टेंट बात है कि आप यदि एमसीक्यू क्वेश्चन के आंसर जानना चाहते हैं तो उसके सभी ऑप्शन आपके क्वेश्चन के नीचे में होने चाहिए। आइए अब आपको मैं बता दूं कि आप यदि अन अकेडमी में ये यूज़ करना चाहते हैं फ्री डाउट क्लियरेंस, तो आप मेरा कोड यूज़ करिए जितेंद्र सर लाइव। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप यदि अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो 10% डिस्काउंट मिलेगा आपको मेरे इस कोड को यूज़ करने पर। जितेंद्र सर लाइव कोड आप यूज़ करिए और 10% का आप डिस्काउंट पाइए। ओके, थैंक यू। चलिए, ये पृथ्वी का केंद्र है ओ, यहाँ तक पृथ्वी की त्रिज्या है कैपिटल आर। और सपोज करते हैं अपन कि पृथ्वी की सतह से सपोज एक्स ऊंचाई पर यहाँ पर एक पिन रखा हुआ है, इसको हम वेव को भेजना है अनंत तक, ठीक है। इधर ये अनंत तक जाएगा, ये इन्फिनिटी लिख दिया। तो यहां पर कोई पिंड रखा है और इसकी ऊंचाई यहां तक सपोज एक्स है। अब इसको हम यहां से यहां तक इतनी दूरी, सिर्फ इतनी दूरी जिसको हम डी एक्स कहते हैं, ये कह रहे हैं ये हमको विस्थापित करना है यहां से यहां तक, क्लियर। और ये पृथ्वी की त्रिज्या है। तो यहां पर देखो, सबसे पहले हम कैलकुलेशन क्या करेंगे, पृथ्वी के द्रव्यमान को हमने कैपिटल एम मान लिया, इसके द्रव्यमान को स्मॉल एम मान लिया। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है ये सबसे पहले आप समझो। देखो, जब हम किसी पिंड को ऊपर फेंकेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, उस पर कार्य करना पड़ेगा। तो जब उस पर हमको कार्य करना पड़ेगा तो वही कार्य, जैसे मैं किसी वस्तु को ऊपर फेंका तो मैंने उसमें कार्य किया, तो मेरे द्वारा किया गया जो कार्य है वह उस पिंड में गतिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तन होता है और उसी गतिज ऊर्जा के कारण वो ऊपर जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कार्य करता है कि हमारे द्वारा उस पिंड पर किया गया जो कार्य है वह उसको गतिज ऊर्जा प्रदान करता है और उसी गतिज ऊर्जा के कारण वो ऊपर जाता है। तो यहाँ सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि हमको जब उसको अंतरिक्ष में या पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र से बाहर फेंकना होगा तो उसमें हमको कितना कार्य करना पड़ेगा। तो पहले हम कार्य निकाल लेंगे और हमने जो कार्य किया उस कार्य को हम उसके गतिज ऊर्जा के बराबर कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमको उसका इसके वेलोसिटी मिल जाएगा, मतलब पलायन वेग मिल जाएगा। पलायन वेग को हम प्रदर्शित करते हैं वी ई से, ई फॉर एस्केप, ये ध्यान रखना, संकेतों को ऐसा बनाया गया है वी ए से। तो सबसे पहले हम क्या करें, इस बिंदु पर मान लो ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, तो बिंदु ए पर हम निकाल लेते हैं गुरुत्व बल। बिंदु ए पर बल सीधा हम इसमें लिख लें, बिंदु ए पर गुरुत्वीय बल, या खाली बल लिखेंगे तो भी उसका मतलब गुरुत्वीय बल है। तो वहाँ पर बल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपान इस बिंदु तक इसकी दूरी क्या है, इस बिंदु तक इसकी दूरी हमने एक्स माना हुआ है, तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। मतलब इस बिंदु पर इस पर बल इतना होगा क्योंकि इसका यहाँ से सतह से ऊंचाई कितना है, एक्स है, ये ऊंचाई हमने लिया है। तो बिंदु ए पर बल हो जाएगा, इसलिए एम द्रव्यमान के पिंड को, इसलिए एम द्रव्यमान के पिंड को कहां से, ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य, ले जाने में किया गया कार्य, क्या निकाल रहा हूं मैं अब यहां से, इसे लेके बी तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन। तो किया गया कार्य को हम डी डब्ल्यू ले लिए, क्यों डी डब्ल्यू, क्योंकि यहां पर अल्प किया गया कार्य है, हम ये छोटी दूरी तक उसको ले जाना चाहते हैं। तो बल इतना हो जाएगा एफ और इंटू दूरी कितना है डी एक्स, दोनों के मान को हम भर देते हैं। एफ का मान यहां से अपन भर देते हैं कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन एक्स स्क्वायर और इंटू डी एक्स, ये होता है
एम द्रव्यमान के पिंड को ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य, एम द्रव्यमान के पिंड को ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य डी डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी एक्स, जहां पर एफ है जी एम एम अपान एक्स स्क्वायर इंटू, ये हो जाएगा डी एक्स। अब अभी हमने क्या निकाल लिया, अल्प किया गया कार्य निकाल लिया, छोटा कार्य निकाल लिया। इस कार्य को यदि हमको अनंत तक ले जाने में निकालना है तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। तो चलिए अभी हम इसका समाकलन कर लेते हैं। तो इसलिए देयरफॉर कहां से, पृथ्वी की त्रिज्या से r से अनंत तक ले जाने में किया गया कार्य, अनंत तक क्यों निकाल रहे हैं अपन, क्योंकि उसको हमको पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र से बाहर भेजना है। तो r से अनंत तक ले जाने में किया गया कार्य, इसको हमने कह दिया w। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू हो जाएगा समाकलन, और इसका लिमिट हो जाएगा कहाँ से ले जा रहे हैं, r से, और कहाँ तक ले जा रहे हैं, अनंत तक। तो r से अनंत लोअर लिमिट हो जाएगा पृथ्वी की त्रिज्या, और अपर लिमिट हो जाएगा अनंत, क्योंकि हम उसको अनंत तक फेंक रहे हैं वस्तु को। दैट इक्वल, अब यहाँ पर हम मान को भर देते हैं, तो r टू इन्फिनिटी, और डी डब्ल्यू का मान हमने ये निकाल के रखा है जी एम एम अपान एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपान एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। दैट इक्वल, अब इसका समाकलन कर दें हम, तो ये जी एम एम अपान एक जी एम एम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाहर हो गया, और इसको लिख लेंगे r टू इन्फिनिटी x का पावर ऊपर जाके x टू द पावर माइनस टू डी एक्स, ये हो जाएगा। अब आपको मैंने समाकलन में पढ़ाया है, नहीं भी आपको मालूम है तो आप मेरा वीडियो देखिए, बार बार याद दिलाता हूँ आपको। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n डी एक्स इक्वल टू होता है x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, ये होता है x टू द पावर n का समाकलन। इस फार्मूला की सहायता से यहाँ पर n का वैल्यू कितना है, माइनस टू है, तो इस n की जगह माइनस टू पुट करें तो हमको इसका समाकलन ज्ञात हो जाएगा, और इस तरह से ये हो जाएगा दैट इक्वल कैपिटल जी कैपिटल m स्मॉल m, और इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन चूंकि हो गया हो जा रहा है तो इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा, ये हो जाएगा x टू द पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, और लिमिट हो जाएगा r टू इन्फिनिटी। क्लियर, ये हो जाएगा हमारा इसका समाकलन। अब हम इसको सॉल्व करके इसके लिमिट पुट अप कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर w इक्वल टू, ये माइनस साइन है तो माइनस साइन क्या होगा, ये माइनस टू प्लस वन माइनस आएगा, उसको हम बाहर लिख लेंगे, माइनस जी कैपिटल m स्मॉल m और अंडर ब्रैकेट ये वन अपान एक्स हो जाएगा, ये हो गया वन अपान एक्स, और r टू इन्फिनिटी। वन अपान एक्स क्यों होगा ये, क्योंकि यहाँ पर x का पावर माइनस वन हो रहा है। क्लियर, दैट इक्वल, अब यहाँ पर हम लग दें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कैपिटल जी कैपिटल m स्मॉल m, और यहाँ पर अपर लिमिट हम पुट कर देंगे इसको वन अपॉन इन्फिनिटी को, और लोअर लिमिट कर देंगे r को वन अपॉन r। दैट इक्वल, यहाँ पर ये माइनस, ये वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और ये मिल जाएगा जी कैपिटल m स्मॉल m अपॉन r, ये है पिंड पर किया गया कार्य। अब देखो, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो कार्य हम उस पिंड पर कर रहे हैं, जितना कार्य हम उस पिंड पर कर रहे हैं वही कार्य उसमें क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में, सॉरी गतिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होगा। तो यहां पर हम लिख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी, बट काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, ये हो जाएगा वन अपॉइंट टू एम वी स्क्वायर, इसको हमने वी ई कह दिया, क्योंकि यहाँ पर ए ई क्या है, स्केप वेलोसिटी है, पलायन वेग है, यहाँ पर हम वेग को पलायन वेग के रूप में ले रहे हैं, तो हमने उसको ई रिप्रेजेंट कर दिया। दिस इज रिलेशन नंबर टू। अब रिलेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि यही जो कार्य हम कर रहे हैं वही इसमें क्या होगा, गतिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो रहा है। तो दोनों को यदि हम बराबर कर दें तो क्या हो जाएगा, देखो, देयरफॉर फर्स्ट एंड सेकंड से, एक और दो से, ये हो जाएगा 1 अपॉइंट टू एम वी ई स्क्वायर इक्वल जी कैपिटल m स्मॉल m अपॉन r, ये हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करें और यहाँ से हम निकालें वी ई का वैल्यू। देखो, तो जो कैंसिल आउट होता है हम कैंसिल आउट करा देते हैं, m m के साथ में कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से फिर देखो इसको थोड़ा और हम मूव कर लें, एक साथ
एक साथ मूव करके इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको साइड में वो दिखे कि हम निकाल क्या रहे हैं। ये तो हमारे बोर्ड में ये फैसिलिटी है, अदरवाइज नेक्स्ट पेज में चले जाओ तो साइट का, क्योंकि आप देखो डेरिवेशन में क्या होता है, हमको पीछे की स्टेप का जरूरत पड़ता है, इसलिए मैं पेज को ही मूव कर करके पढ़ा रहा हूँ आपको। नेक्स्ट पेज में चला जाए तो बार बार आपको पीछे देखना पड़ता है, बाद में उसको एक साथ कॉम्पैक्ट भी कर दूंगा, राइटिंग थोड़ा छोटा हो जाता है लेकिन दिख जाता है, ना भी प्रॉपर दिखे तो आपको हर पेज तो अलग से दिख रहा है ना। दैट इम्प्लाइज, अब देखो इसको हम सॉल्व करें तो इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे तो वी स्क्वेयर, देयर फॉर वी स्क्वेयर इक्वल टू टू, उधर ट्रांसफर होकर चला जाएगा तो हो गया टू। और यहाँ पर एक और चेंज करते हैं अपन, देखो जो हमको मालूम है अब भी हमने इसको यूज किया है क्या कि स्मॉल g इक्वल टू होता है जी एम अपान आर स्क्वायर, ये हमने अभी यूज किया है तो इसको हम यहाँ से यूज करें और ये जो जी एम है उस जी एम के जगह में क्या पुट कर दें अपन जी आर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप टू जी आर स्क्वायर, टू जी आर स्क्वायर और अपान में क्या होगा ये r। अब यहाँ से देखो एक r कैंसिल आउट हो जाएगा, एक आर कैंसिल आउट होने के बाद क्या हो जाएगा दैट इम्प्लाइज वी स्क्वायर इक्वल टू टू जी आर, देयर फॉर वी इक्वल टू रूट ऑफ टू जी आर, ये होता है स्केप वेलोसिटी, ये है पलायन वेग का फार्मूला, ये पलायन वेग का फार्मूला है वी इक्वल टू रूट ऑफ टू जी आर। अब यहाँ पर यदि हम इसको पृथ्वी के लिए रूट ऑफ जी आर का गणना करें तो देखो पृथ्वी के लिए, यदि हम पृथ्वी के लिए वी का गणना करें तो वी इक्वल टू रूट ऑफ 2 इंटू 9.8 और इंटू पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 इंटू 10^6, इसको सॉल्व करोगे तो आता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इस डेटा को हमेशा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, क्लियर। तो यह होता है पृथ्वी को पलायन में भी इक्वल टू। और यदि हम चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा के लिए हम निकालें उसके लिए भी निकाल के अपन रखते हैं तो चंद्रमा के लिए इसका जो वैल्यू होता है ये वी ई ही लिख रहा हूँ इसको मैं, लेकिन मून के लिए व्हाइट कलर में लिख रहा हूँ, तो यह हो जाएगा रूट ऑफ टू इंटू, चंद्रमा का जो गुरुत्वीय त्वरण है वह पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 गुना होता है, तो 6 का डिवाइड कर दिए और उसकी जो त्रिज्या होती है 1.74 इंटू 10^6 होती है चंद्रमा की त्रिज्या, इसको सॉल्व करो तो ये नियर अबाउट आता है 2.4 किलोमीटर पर सेकंड, ये चंद्रमा का पलायन वेग है, क्लियर। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन आपसे करता हूँ पलायन वेग पर, वो ये है कि पलायन वेग का इम्पॉर्टेंस क्या है, चलो नेक्स्ट पेज में अपन उसके बारे में डिस्कस करेंगे, सबसे पहले इसको मैं एक साथ कंबाइन करके दिखा दूँ। तो ये हमने पलायन वेग का फाइनल इक्वेशन कैलकुलेट कर लिया और इसके बाद देखो ये पृथ्वी और चंद्रमा के लिए पलायन वेग का कैलकुलेशन किया, ये वैल्यू आप याद रखना पृथ्वी के लिए 11.2 किलोमीटर और चंद्रमा के लिए 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। कुछ राइटिंग तो छोटा हो जाएगा बट एक साथ दिखा भी देता हूं मैं, ओके एक साथ आपको दिख तो गया, हालांकि आपने स्टेप बाय स्टेप सबको देख ही लिया है लेकिन भाई जब यहाँ पर आपको छोटा छोटा दिखे तो परेशान होने की जरूरत नहीं, आप जूम करके पढ़ लेना, पेज वाइज तो मैं आपको कंप्लीट कराई चुका हूँ, उसको आप उसको प्रॉपर नोट्स में बनाइए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने क्या निकाला, ये कार्य निकाला, फिर कुल किया गया कार्य निकाला, फिर इस कार्य को गति जुड़ जाके बराबर किया और ये पलायन वेग का गणना किया, ओके। अब यहाँ पर देखो कि हम इसकी दोनों की तुलना करना चाहें, ठीक है यहीं पर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूं, ध्यान देना। पहला बात यह है, नोट करके लिख रहा हूं, पहली बात यह कि पलायन वेग और कक्षीय चाल का हम कंपेयर करते हैं। तो अभी हमने पढ़ा है जस्ट पीछे वाले टॉपिक में कि वी नॉट इक्वल टू होता है रूट ऑफ जी आर और वी ई बराबर हमने पढ़ा है अभी रूट ऑफ टू जी आर। यदि ये दोनों को हम कंबाइन करके देखें तो यहाँ से आपको पता चलेगा एक नया रिलेशन, और वो रिलेशन क्या हो जाएगा, ये रूट टू टाइम्स है इसके, मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं वी ई इक्वल टू रूट टू ऑफ वी नॉट, ये रिलेशन याद रखना। इसका मतलब यहाँ पर क्या बता रहे हैं आपको कि इसका जो एस्केप वेलोसिटी होता है वह पृथ्वी के सॉरी सैटेलाइट के
कक्षीय चाल का रूट टू गुना होता है। ये दोनों में रिलेशन है, ओके, ये दोनों में रिलेशन है। अब मैं कुछ पॉइंट पर आपसे डिस्कस कर दूं। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है, दूसरा पॉइंट यह है कि वीई का महत्व, वीई का हमारे लाइफ में या पृथ्वी के लिए क्या महत्व है, इसके कुछ पॉइंट पर आपसे डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। देखो, पृथ्वी का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। किसी भी ग्रह में, चाहे वो पृथ्वी हो, चाहे वो मंगल हो, बृहस्पति हो, कोई भी ग्रह हो या उपग्रह हो, वहां पर एटमॉस्फेयर का होना, एटमॉस्फेयर मतलब वातावरण, गैस का होना, इस बात पर डिपेंड करता है कि उसका पलायन वेग कितना है। कैसे, ध्यान से सुनना। पृथ्वी में ऑक्सीजन है जिसके कारण हमारी जिंदगी है, ठीक है। आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, कल के लिए आपको कोई पूछे कि पृथ्वी में जीवन है इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, तो कोई बोलेगा ऑक्सीजन है, कोई बोलेगा ये है वो है, सही, सभी कारण सही हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारण है इसके पलायन वेग का 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होना। कैसे, मान लो पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से कम होता, तो जो गैस जिनका पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से ज़्यादा है वो यहाँ से उड़ जाते हैं, वो स्केप हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो पलायन वेग है वो लगभग 8 किलोमीटर पर सेकंड के आसपास होता है। मैं लगभग इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि डेसिमल में पॉइंट में कैलकुलेशन होता है और उसमें इम्प्यूरिटी भी होती है, तो इतना होता है। तो ऑक्सीजन को पृथ्वी से पलायन के लिए 11.2 किलोमीटर से ज़्यादा स्पीड चाहिए और उसके पास है नहीं, इसलिए पलायन वहीं नहीं कर पाता, पृथ्वी में रुक जाता है और उसके रुके रहने के कारण ही जिंदगी है, तभी हम यहाँ पर हैं, ठीक है। पौधों से प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन निकला, निकलता, पौधे होते, ऑक्सीजन निकलता, सब होता, लेकिन वो पलायन हो जाते। तो पृथ्वी का जो पलायन वेग, पृथ्वी का जो आकर्षण है, वो ऑक्सीजन को रोक के रखा है। और जैसे बहुत से गैस हैं, जैसे हाइड्रोजन है, नियान है, इस तरह के जो गैस हैं वो पृथ्वी में नहीं रुक पाते क्योंकि इनका जो ऑर्बिटल, इसका जो एस्केप वेलोसिटी होता है वो 11.2 से ज़्यादा होता है, इसलिए इनको गुब्बारों में भरा जाता है। गुब्बारा में जैसे इसको हम भरते हैं, गुब्बारा ऊपर उठने लगता है क्योंकि उनका पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से ज़्यादा है। दैट मीन्स, मैं फाइनली आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि किसी भी ग्रह में वातावरण तभी संभव है जब वहाँ पर जो पलायन वेग है वह गैसों के पलायन वेग से क्या हो, ज़्यादा हो, ताकि गैस वहाँ से पलायन ना हो। फॉर एग्जांपल, हमारे अप्रोच में जो उपग्रह है, ग्रह तो नहीं, उपग्रह है चंद्रमा, उसके बारे में बात करें। अभी हमने कैलकुलेट किया है कि चंद्रमा का पलायन वेग कितना होता है, 2.4 किलोमीटर पर सेकंड। अब 2.4 किलोमीटर पर सेकंड इतना कम है कि मान लो चंद्रमा में हम ऑक्सीजन उत्पन्न करने की व्यवस्था कर भी दें, वहाँ पेड़ पौधे भी लगा दें, वहाँ पानी भी मिल जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन वो गैस रुकेगा नहीं क्योंकि उसका पलायन वेग उतना नहीं है। तो देखो कितना महत्वपूर्ण बात है, इसलिए चंद्रमा में कोई वातावरण नहीं है, वहाँ पर गैस आप उत्पन्न भी करोगे वो उड़ जाएगा, एस्केप हो जाएगा। इसलिए किसी भी ग्रह में पलायन वेग का बहुत बड़ा महत्व है, जब तक पलायन वेग किसी गैस के पलायन वेग से ज़्यादा नहीं होगा वह उसको नहीं रोक पाएगा। और यहाँ पर देखो, पलायन वेग कम्प्लीटली यहाँ पर उसके गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है, जी पर, मतलब जिस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण जितना ज़्यादा है उसका पलायन वेग उतना ही ज़्यादा होगा, और त्रिज्या पर भी निर्भर करता है। इसलिए जो बड़े ग्रह हैं जिनका गुरुत्वीय त्वरण बहुत अधिक है वहाँ जीवन की संभावना है, वहाँ पर गुरुत्व बल अधिक होने के कारण वहाँ पर पलायन वेग ज़्यादा होगा, जिसके कारण जीवन के लिए जरूरी जो हमारा गैस है, ऑक्सीजन है, वो वहाँ पर रुक सकता है, ओके। तो ये एक डिस्कशन है कि पलायन वेग का क्या महत्व है। तो यहाँ पर ध्यान में रखना कि पलायन वेग के कारण ही किसी भी प्लेनेट में गैस रुक पाते हैं और उसी कारण उसमें वातावरण होता है। तो ये मैंने आज आपको पढ़ाया दो इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी। इसके अभी और टॉपिक, बहुत से टॉपिक इसमें बचे हैं, तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसमें आपको लेके आऊँगा सैटेलाइट के टाइप्स, जिसमें भूस्थायी उपग्रह, ध्रुवीय उपग्रह, उपग्रहों में भारहीनता की स्थिति, केपलर का नियम, ये छोटे छोटे रूल्स को हम इसके नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक आप इसका अच्छे से रिवीजन करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके स्कूल एग्जाम के लिए भी, और कॉम्पिटिटिव के लिए तो सवाल ही नहीं उठता, ओके, थैंक यू।